खेल के बारे में कुछ बोलिए। ये रमजान अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 1995 में इसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी। मेरे चचा उस वक्त यहाँ के MLA हफीज़ आलम सहरानी साहब, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद इस फुटबॉल से शुरुआत हुई, बाद में इसको क्रिकेट में कन्वर्ट किया गया और अब 28वां साल इसका चल रहा है। और ये रमज़ान अली मेमोरियल ट्रस्ट बनाया गया जिसके चेयरमैन हम हैं, और इस ट्रस्ट के तरफ से इस खेल को हर साल रमज़ान अली मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के जो कमेटी है जिसमें प्रभास मास्टर साहब हैं, हमारे कौसर आलम मुन्ना है, गोविंद है और भी कई लोग हैं जो जिम्मेदारी के साथ इसको लगातार हर साल इसको खेल को ये किया जा रहा है। मकसद है कि इलाके के नौजवानों को जो बेकार का वक्त और किसी काम में मशरूफ करके लोग गलत खैनी गुटखा तंबाकू से जुड़े रहते हैं या और किसी गलत काम में जुड़ रहे, कम से कम एक खेल का माहौल है जो जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त रखता है, दिमागी तौर पर भी। और खेल से जुड़े रहने से लोग कम से कम जिस वक्त खेलते हैं उतने देर खैनी गुटखा पान सिगरेट बीड़ी से भी दूर रहते हैं। तो ये भी समाज को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने का एक तरीका है। दूसरा, जो नफरत की सियासत पूरे मुल्क में हो रही है उसके खिलाफ़ एक मोहब्बत का पैगाम इस मैदान में हम लोग दे रहे हैं कि यहाँ पर कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन किस जाति का है, उससे हमको कोई, हर कोई एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेल का मज़ा ले रहा है। और जीत और हार का में सिक्स में फोर में तालियां बजा रहा है। तो ये हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हमारा जो मोहब्बत का पैगाम है, वो इस मैदान से हम लोग देने की कोशिश करते हैं। और रमज़ान साहब अपनी सियासी ज़िंदगी में जो पैगाम इस इलाके के लोगों को दिए हैं, नौजवानों को दिए हैं, कि रमज़ान साहब सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक इनकलाब की पहचान बन गए। पूरे बंगाल में वो एक इनकलाबी नेता के तौर पे जाने गए। कई साल अपनी ज़िंदगी का उन्होंने इस इलाके की खिदमत करने के नाते उनको सरकार के जुल्म का शिकार होना पड़ा, कई साल जेल में रहना पड़ा। उसके बाद भी वो हौसला नहीं हारे, इलाके के लोगों की तरक्की के लिए, उनकी आवाज़ बन के इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ते रहे। आवाम ने भी उनको इज्जत दी, पहचान दी। आज उसी पहचान को बरकरार रख के नौजवानों में रमज़ान साहब जो एक सियासी लीडर के तौर पर इलाके में जाने जाते हैं, उनकी पहचान को ज़िंदा रखना, नौजवानों को उनके ज़िंदगी के उसूलों के साथ जोड़ना, ये हम लोगों का मकसद है, ताकि लोग अपने हक और हुकूक के लिए आवाज़ उठा सकें, बेखौफ होकर समाज में सर उठा के जी सके, एक इनकलाब का रास्ता, बेदारी के रास्ते पर चल सके, ये पैगाम देने की कोशिश हम लोग करते हैं। अपनों ने देख लें अली इमरान विक्टर की बोल लें।